बिना बेटा बहू की गबर की कहानी। एक सेठ सेठानिया, सेठ सेठानिया जे सेठानी रोज कहती कि मारे बेटो फनावणो, मारे बहू लावणी। हमें भाई सेठ जी ने कह कि जाओ गांव में मारे कटे बहू ले लो। वहाँ सा गांव सेठ जी जावे हम सोनेरी मोर ले जावे कि भाई मारे कोई ये सोनेरी मोर है जो कोई पनी जावे तो बढ़िया है। वहाँ सा एक कोई बाप बेटी वे निकलता वे उन्हें सुनहरी मोर दिखा दे। सुनहरी मोर दिखा वे ने देखा भाई वो तो है तो सेठ जी है कि कोनी अपन तो बिना मारी बेटी है अगर कोई घर मर जावे तो अच्छी बात है। यू करने सेठ जी बात करे सेठ जी ले रहे कि भाई मारी तो एक शर्त है कि मारो बेटो तो विदेश गयो है। विदेश गयो है जो मैं तो इन बार तो कर नौ ब्याह करूँ वो आई जन मैं पाचो थाने बता देऊँ। ठीक है जब आवो तो आप रोही ऑटो करने वास्ते उन्हें खंडों ब्यों कर देवे। सेठ जी है जी का अपने घरे लेन जावे। घरे लेन जावे वहाँ से ठने तो खूब राजी बाजी हो जावे। खूब दिन में वह तो आप ईमान देखी उड़ी को नहीं तो आप जी मारी हासुरी खूब सेवा करे खूब सिरा बनावे खूब जीमावे। सेठ से ठने ने खूब आनंद हो रखे। वहाँ सा यू करता करता वह घना दिन हो जावे। घना दिन हो जावे जन पड़ोस रहे जिको जिको के वे के नहीं के यार तो कोई बेटो है न कोई बात ए थाने ना खंडो ब्याह करने ली ना है न अब है नी ब्याह करने ली ना है गया अब कोई बेटो है न कोई बात। वहाँ सा के नहीं हो के मार तो विदेश गई उड़ा है। यू करना थोड़ा दिन वह ना तो 16 दिन में जो गबर पूछती वे गबर है जो आपने घर में ही है इस जी ने बना और कमरा बंद कर मोने पूजा करे। पूजा करे ना वहाँ थोड़ा दिन वह ना तो पूजा कर पूजा करना आप हसूसरा वह वह चौको भैया तो बीननी है जो अपने अब घर और संभाल लिया आप तीर्थ माते चलना। वहाँ सा सात कोटेरी चाबी वह जी की आप हाथ लीन जावे पर कह भाई कर कई के वह आग में तो लकड़ी बुझण मत दी जाए आटा रो धान खत्म होने मत दी जाए पानी कंडा में पानी खत्म मत होने दी जाए और पड़ोसियाँ गड्ढे से गड्ढे जाए जे मती। वहाँ सा यू करता करता घना दिन हो जावे जन पानी खत्म हो जावे आग लकड़ी खत्म हो जावे रन माटो खत्म हो जावे जन पड़ोसन जावे फिर पड़ोसन ने जावे जन क्या कह सर भली बात है भाई तू तो है जिको शांत कोटाई चाबी थाने देर गया है कि नहीं तो जी के तू ताड़ो तोड़ मोने जान बैठ जी जाए। वहाँ सा वह तो आवे सीट से टनिया में मोहन आवे शांत वो ताड़ो तो खोल बैठे मोहन वह तो आपने गौर माता पूछती वे जे कह भाई अब अत मेरा दिन हो गया अब सिर से टणी आया है न बबिन तो गजब बाजू मोन लियान करियान यू करने में तो फिर भाई गबर माता 16 दिन की पूजा चैत्र महीनो आवे ने तो पूजा करे न तो फिर उन खंडों पूजा करे कि भाई ये भगवान मैं थाने सच्चा मन उत्याई हूँ तो तुम्हारे इन्हें देख ले पूजा करा ले देखो जब तो बढ़िया है। यू करने वहाँ सा थालीपुर से एक दिन कही हुए थालीपुर स्थल मुँह नमक गालनी भूल जावे जन सासू जी के भैया रोज तो यार चौको चौको खाना बनाती आज ही मोना नमक को नहीं खा लियो कई बात है बहू खाना बनानी भूल गई के सासू जी मैं तो थे तो मैंने बिना बेटा बहू ही बना लिया है और एक दिन थे लूण मैं तो जीवन भर लूणी हूँ कि नहीं भैया बिननी आई परदेस गयोड़ा है जी को आई तो सही। वहाँ सहयू करता करता वह तो फिर पूजा करने जावे वह तो खंडा ने फिर अरस करे मन तो इसे भगवान भगवान में जी का तुष्टवान हो जावे तुष्टवान हुए जी को उन्हें तो वह रेसर जी बन जावे मन चप्पड़ पाटा के लेन खूब सारा जनवा हसु जी है लेन पूछे कि तू भाई मोहन कई कमन करी करी है जो तू उन्हें गाँव में सब जने कह रहे हैं का तू रोजी आदमी बातों करें कई बात है कि की कोनी माता 16 दिन गौर माता पूजी में तो 16 दिन इष्ट मान हुए जो कोई भगवान मने पति दियो ठीक है वो घना घना पूजो और घनी घनी पूजा करो भाई चोको अड़ भगवान सत दियो देखो सबने दीजो कहता सुनता गजन जी की कहानी के गवर मात की जय हो गवर मात की जय हो।